संपदा हाई स्कूल में हरे पेड़ों की कटाई को लेकर खबरें आज भी में प्रकाशित की गई खबर का हुआ असर। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञान संपदा प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर निकाला आक्रोश मोर्चा, कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो होगा बड़ा आंदोलन। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। आपको बता दें कि गोवंडी के ज्ञान संपदा हाई स्कूल में एक हफ्ते पहले हरे पेड़ों की कटाई को लेकर खबरें आज भी में की गई प्रकाशित खबर का असर देखने को आज मिला है। वहीं पर प्रशासन व समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ पेड़ कटाई के मामले में मामला दर्ज होना चाहिए, उसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा निकाला। वहीं पर शिवाजी नगर पुलिस थाने के अधिकारी की कड़ी तैनाती भी देखी गई। और आपको बता दें कि एमपुर विभाग के सहायक आयुक्त शांताराम उबाले ने स्कूल का दौरा करते हुए निरीक्षण किया और कहा कि हम पुलिस को पूरा सहयोग करेंगे कि इसके ऊपर संपूर्ण कार्रवाई हो। आपको बता दें कि यह मामला समाजवादी पार्टी ने के पदाधिकारियों ने अपने दम पर मामला दर्ज करने के लिए ये आक्रोश मोर्चा निकाला था। इस विषय में जब हमने शिवाजी नगर पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक से बात किया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में हमने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जाएगी। इसी मामले में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने शांताराम उबाले सहायक आयुक्त एमपुर विभाग को एक ज्ञापन भी सौंपा, कहा कि जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई की जाए। ने भी आक्रोश मोर्चा इन्होंने रखा था, इसलिए मोर्चा रखा गया था। वो झाड़ काटा है इधर स्कूल के अंदर, उसके लिए झाड़ काटा। हाँ, मानते उनके ऊपर कार्रवाई होगी, वो दिया हमने, पुलिस को इन्फॉर्म किया है। हमारे झाड़ काटता हुआ वीडियो भी वायरल हुआ है, वो झाड़ काटता हुआ मतलब वो है ना, पुलिस कार्रवाई चालू है, पुलिस ने दिए। अभी उनको पूछो ना, हमने तो बोला है 7-8 दिन में होएगा, झाड़ काटता हुआ हो गया। ओके पापी करेंगे ना, वो कोई उनका इंक्वायरी चालू है उन लोग का, हमने दिया है, खुद हमने इन्फॉर्म किया है पुलिस स्टेशन को, हमारे गार्डन डिपार्टमेंट ने हमने कंप्लेंट लॉन्च किया है, उसका इंक्वायरी होके जो भी दोषी रहेगा उसको कार्रवाई होगी। करीब एक आक्रोश मोर्चा का एक बैनर लगा गया था, लोग यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे लोग जमा हुए, क्या कारण था यहाँ पे मोर्चा का? जैसे जिस तरह से स्कूल के अंदर झाड़ जो स्कूल के प्रेमिसेस में आता है और वहाँ पर जिस तरह से झाड़ काटा गया है, ये बहुत निंदा की बात है और ये स्कूल के मैनेजमेंट को शोभा नहीं देता है जिस तरह से हुआ है। आज स्कूल के अंदर ही अगर इस तरह से काम होंगे तो बच्चों पे किसका क्या असर पड़ेगा, बच्चों का क्या भविष्य बढ़ेगा, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, जब स्कूलों को शिक्षा की जगह को जब स्कूलों को जितनी जगह दी गई है वो अपनी जगह पे जो कुछ भी डेवलपमेंट करना है क्या करना है वो करना चाहिए। अगर स्कूल के लोग ही बढ़ के इस तरह से इंक्रोचमेंट करेंगे, जगहों को तोड़ेंगे, कब्जेदारी करेंगे, तो उसका असर बच्चों पे क्या जाएगा? और मेरा देखा जाए तो यहाँ पे नगर सेवक भी आपके, आमदार भी आपके, और आपने एक आरोप लगाया कि स्कूल वाले के ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने एक ऐसा सर्वे किया वहाँ पे झाड़ नहीं दिखाया गया, और आप बोल रहे कि उस जगह पे झाड़ काटा गया, वीडियो भी वायरल हुआ, इसके ऊपर आप बीएमसी से क्या कार्रवाई की उम्मीद रखते? बिल्कुल, जो दोषी है उनको जेलों में डाला जाए। मेरी कार्रवाई, मेरी मांग है पुलिस से कि ऐसे लोगों को कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात कि हमारा रोड नंबर 3 से एक रोड हमारा निकालने के लिए चल रहा है। आज जब स्कूल के अंदर बैंक बन सकती है, जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे लोगों के लिए रास्ता, आज कोई बड़े हादसे हो जाए, कोई चीज़ें हो जाए तो यहाँ पर निकलने के लिए रास्ते नहीं है, 2 ही रास्ते, 8 लाख की आबादी और 2 रास्ता कैसे चलेगा? आज लोग अपने जॉब पे अपने वक्त पे नहीं पहुँच पाते, कितने बार ऐसे हादसे हुए कि पेशेंट हॉस्पिटल टाइम पे नहीं पहुंच पाते, स्कूल के बच्चे स्कूल को नहीं पहुंच पाते, कॉलेज के बच्चे कॉलेज को नहीं पहुंच पाते, जॉब करने वाले बच्चे जहां पर उनको जॉब करना रहता है वहां पे नहीं पहुंच पाते, उनके बॉसेस उनको उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो जनता परेशान है और इसका हल निकलना चाहिए। सर, 7 दिन हो चुका है झाड़ काटता हुआ वीडियो वायरल होके आप मोर्चा निकाल रहे हो, लेकिन आपको इसमें कुछ ढिलाई नजर नहीं आ रही कि महानगर पालिका कुछ कमियां है जो उनके ऊपर केस नहीं बन रहा है? उन आरोपी जो झाड़ काटता हुआ वीडियो है, जिंदा झाड़ काटता हुआ, उनके ऊपर अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई? हमको जब लगा ये ढिलाई हो रही, इसीलिए तो हमने मोर्चा रखा है।
कि हम अपना आक्रोश, जनता का आक्रोश हम पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका के सामने रखेंगे, हम अपने गुस्से को बताएंगे। आज तो हमने ये शांतिपूर्वक निकाला है, मगर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो एक जन सैलाब उमड़ेगा यहाँ। समाजवादी अगला कदम आंदोलन ऊंचे लेवल पे करने की उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, और जिस तरह से स्कूल ने गलत काम किया है, मेरी मुंबई महानगर पालिका मुंबई आयुक्त हमारे श्री इकबाल सिंह चहल सर से गुजारिश है कि ऐसे स्कूलों का लिस्ट कैंसिल किया जाए, महानगर पालिका अपने अंडरटेकिंग में ले। और आज गोंडी शिवाजी नगर के बच्चों को कॉलेज की ज़रूरत है, जबकि स्कूल रिजर्वेशन है तो यहाँ कॉलेज बन सकता है। जैसे पहली बार महानगर पालिका ने एक ब्रिज बनाया मानपुर में, ऐसे ही मान